या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक बहुत ही कॉमन हार्मोनल प्रॉब्लम है और ये ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड बेयरिंग वीमेन यानी कि 20 से 40 साल की औरतों में देखा जाता है। ये इंडिया में हर 5 में से एक लेडी में देखा जाता है और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि PCOS के क्या लक्षण हैं, इसके क्या कारण हैं, इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है और इसके ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि PCOS के क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि PCOS या PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ही चीज़ के दो नाम हैं और इसको सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मल्टीपल तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि पीरियड्स का कम आना या लेट आना। अगर किसी भी लेडी को एक साल में 8 से कम पीरियड्स आते हैं तो हम उसको PCOD का एक लक्षण मानते हैं। इसके अलावा किसी किसी लेडी को हैवी पीरियड्स भी आ सकते हैं क्योंकि अगर बहुत दिन के बाद पीरियड आता है तो थिक लाइनिंग यूट्रस की जब शेड होती है उससे पीरियड हैवी हो जाता है। इसके अलावा इसमें थोड़ा वेट गेन ईजिली होता है और वज़न कम करना मुश्किल होता है और ज़्यादातर कमर के अराउंड ये मोटापा देखा जाता है। अगला लक्षण हो सकता है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, जो आपके चेहरे पे, आपके चेस्ट में, बैक में या थाइज में हो सकती है। इसके अलावा सर से स्कैल्प और टेम्पल्स वाली एरिया में हेयर लॉस भी हो सकता है। कुछ लोगों को ऑयली स्किन हो सकती है जिसके कारण फेस और बॉडी पे पिंपल्स या एक्ने हो सकता है। एक और बहुत कॉमन लक्षण होता है प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आना। PCOS में हॉर्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से ओव्यूलेशन या एग फॉर्मेशन टाइम पर नहीं होती है, जिसकी वजह से पीरियड्स भी लेट आते हैं और प्रेग्नेंट होने में मुश्किल होती है। आइए अब जानते हैं कि PCOS होता क्यों है। एक पहला कारण है हॉर्मोनल इम्बैलेंस। हमारे ओवरीज मेल और फीमेल हॉर्मोन्स दोनों बनाते हैं और PCOS में टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल हॉर्मोन बढ़ जाता है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी बढ़ जाते हैं और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन घट जाता है। इन सब की वजह से ओवरीज का जो नॉर्मल फंक्शन है यानी कि एग प्रोडक्शन, वो डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा, जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि आपके परिवार में यानी कि आपकी मदर या आपकी सिस्टर किसी को भी अगर PCOS होता है तो उससे आपके चांसेस ऑफ हैविंग PCOS बढ़ जाते हैं। तीसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो शुगर्स को डाइजेस्ट करता है। PCOS में इस हार्मोन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और आपको सेम शुगर्स को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करना पड़ता है। इसकी वजह से आपका इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है और ये वेट गेन का भी कारण हो सकता है। PCOS की डायग्नोसिस को कैसे कन्फर्म किया जाए? अगर आपको कुछ भी PCOS के लक्षण लगते हैं तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपके डॉक्टर आपसे एक हिस्ट्री लेते हैं, आपके सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं यानी कि आपके साइकिल्स, आपके स्किन चेंजेस, हेयर चेंजेस, मोटापा या वेट गेन और आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। फिर हम आपको कुछ टेस्ट्स बताते हैं जो कि आपको खाली पेट करने होते हैं। ये ब्लड टेस्ट होते हैं जो पीरियड के सेकेंड डे पे किए जाते हैं। इसमें कुछ टेस्ट के नाम होते हैं जैसे FSH यानी कि फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, आपका लिपिड प्रोफाइल, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बताता है। इसके अलावा थायराइड और प्रोलैक्टिन भी हम चेक करते हैं और अगर आपको एक्ने या हेयर की प्रॉब्लम होती है तो फ्री टेस्टोस्टेरोन भी चेक किया जाता है। और हम एक अल्ट्रासाउंड भी करते हैं जिसमें हम आपकी ओवरीज देखते हैं और ओवरीज के अंदर अगर छोटे छोटे सिस्ट्स यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिखाई देती हैं तो ये सब हमको हेल्प करते हैं आपका डायग्नोसिस करने में। PCOS का ट्रीटमेंट कैसे करें? PCOS की दो तरह की ट्रीटमेंट्स होती हैं। पहली, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि घरेलू तरीके जो आप खुद कर सकते हैं, या फिर मेडिकेशन। हमारी कोशिश ये होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू तरीके यूज़ करें ताकि आपको कम से कम दवाइयों की ज़रूरत पड़े। इसमें पहली चीज़ है वेट लॉस। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वेट लॉस से अपने आप ही आपकी इंसुलिन की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, आपके हार्मोन्स इम्प्रूव हो जाते हैं, एग फॉर्मेशन अपने आप होने लग जाती है और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्प होती है। दूसरी चीज़ है एक हेल्दी डाइट फॉलो करना। PCOS में सबसे पहले आपको क्या नहीं खाना चाहिए? इसमें यूजुअली मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि मीठी चीज़ें यानी कि ऑल थिंग्स विच आर स्वीट, कोल्ड ड्रिंक्स, जागरी, हनी, इवन बहुत मीठे फल जैसे कि चीकू और आम भी आपको नहीं खाने चाहिए। उसके अलावा मैदा यानी कि ब्रेड, बिस्किट, बेकरी की चीज़ें, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब भी आपको नहीं खाना चाहिए। स्टार्ची चीज़ें जैसे कि आलू, चावल, अरबी, इनको भी आपको कम खाना चाहिए और टी और कॉफ़ी को भी कम लेना चाहिए। तो PCOS में हम क्या खा सकते हैं?
PCOS में आप प्रोटीन रिच डाइट ले सकते हैं, जैसे कि चना, राजमा, लोबिया, दालें, अंडा, नॉन वेज। उसके अलावा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं। नट्स में आप वॉलनट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सब ले सकते हैं। और ऑयल्स में आप राइस ब्रान या कैनोला ऑयल ले सकते हैं। अगर आप PCOS की डाइट के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तीसरा, एक्सरसाइज। PCOD में एक्सरसाइज करने से आपकी इंसुलिन की क्वालिटी इम्प्रूव होती है और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारा रेकमेंडेशन होता है कि 30 से 45 मिनट्स की एक्सरसाइज आप 5 दिन हफ्ते में करें। इसमें आप योगा भी कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, और कोई भी पावर योगा, क्रॉसफिट, हिट, कुछ भी कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, बट रेगुलरली करना ज़रूरी है। चौथा, प्रॉपरली 8 घंटे रात को सोना, टाइम पे खाना खाना, स्ट्रेस लेवल्स को कम रखना, ये सब चेंजेस भी PCOS की ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। PCOS की क्या मेडिसिंस होती हैं? PCOS में हम उन्हीं चीज़ों की दवाई देते हैं जिसके आपको लक्षण होते हैं। अगर आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो हम आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, जिनको हम बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कहते हैं। ये आप 3 हफ्ते तक रोज़ लगातार लेते हैं, और जब आप छोड़ते हैं तो अगले हफ्ते में आपको पीरियड्स आते हैं। ऐसे आपको आपके डॉक्टर के अनुसार 3 से 6 महीने तक लेना होता है, जिसके बाद नेचुरली आपके पीरियड्स टाइम पे आने लगते हैं। अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। अगर आपको वज़न की तकलीफ़ है तो इसमें हम मेटफॉर्मिन देते हैं, या आजकल हम मायो इनोसिटॉल भी देते हैं, जिससे आपको वेट लॉस में ईज होती है और आपकी इंसुलिन की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। अगर आपको हेयर लॉस या हेयर ग्रोथ या एक्ने की तकलीफ़ है तो हम इसमें एंटी टेस्टोस्टेरॉन मेडिसिन देते हैं, जैसे कि स्पायरोनोलैक्टोन या फ्लूटामाइड या फिनास्टेराइड। इसको लॉन्ग टर्म लेने से आपको अपने हेयर इश्यूज में इम्प्रूवमेंट दिखती है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपको क्लोमिफीन या लेट्रोजोल देते हैं। ये दवाइयाँ एग फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। इसको पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन से शुरू किया जाता है, और इससे आपके ईस्ट्रोजन लेवल्स कम होते हैं और FSH लेवल्स बढ़ते हैं, जो आपकी एग फॉर्मेशन को इम्प्रूव करते हैं और आपको प्रेग्नेंट होने में आसानी होती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से PCOS के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।